नमस्कार, चौबे जी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत स्पेशल आलू की जलेबियाँ बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए हमने लिया है 2 बड़े आलू कद्दूकस किए हुए, 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा, 2 चम्मच दही, 1 कटोरी चीनी, 4 इलायची, आधा नींबू, फूड कलर और तलने के लिए घी। सबसे पहले हमने चाशनी बना लेना है, इसलिए एक बर्तन में हम चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे और उसे एक तार की चाशनी मीडियम आंच पे चलाते हुए इसे बना लेंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए, तब तक हम तेज आंच रखेंगे। उसके बाद हम आंच को मीडियम और लो फ्लेम पे चाशनी बनाते रहेंगे। जब तक चाशनी बनती है तब तक हम जलेबी का बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने एक बड़े बर्तन में आलू डाल दिया है, उसमें हम डाल देंगे सिंघाड़े का आटा और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें दही भी डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैटर तैयार हो गया है लगभग, उसमें हम फूड कलर डाल के भी उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। गाढ़ा मिश्रण तैयार किया है हमने। अब एक दूध की थैली लेंगे, जैसे हम आम जलेबियाँ बनाते हैं वैसे ही इसे भी बनाएंगे। उसमें हम इसे डाल के पैक कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे थोड़ा मोटा कट करेंगे जबकि हम जलेबी बनाने लगे। अभी थोड़ा इसे छोड़ देते हैं और तब तक देखते हैं कि हमारी चाशनी बनी या नहीं। चाशनी बिल्कुल लगभग तैयार है, थोड़ा चेक कर लेंगे कि एक तार की चाशनी बनी कि नहीं। चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे कि जलेबियों पे चीनी की परत ना चढ़ जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और हम इसे गैस बंद करके अलग रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसको गर्म चाशनी में हम जलेबियों के नहीं डालेंगे, गुनगुने चाशनी में डालेंगे, इसलिए हम इसे अलग साइड में रख देंगे। तब तक हम जलेबियों को तलने के लिए कढ़ाई चढ़ाते हैं और उस पर डाल देते हैं घी। हमने यहाँ पे तली वाली कढ़ाई ली है, इसलिए हम थोड़ा ही घी डालेंगे, इसमें ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा घी डाल देंगे तो जलेबियाँ ऊपर आ जाएंगी घी से और वो फट जाएंगी, इसलिए थोड़ा घी डाल के जलेबियों को तलेंगे। और तुरंत जलेबियों को पलटाएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं आलू की जलेबियाँ। इसे एक तरफ से बिल्कुल ब्राउन होने देंगे, तभी उसको पलटाएंगे दूसरी तरफ भी बिल्कुल ब्राउन होने देंगे। दोनों तरफ से अच्छी कुरकुरी जलेबियों को फ्राई करेंगे, फिर उसे हम निकाल के चाशनी में डालेंगे। ज़्यादा तेज आंच नहीं रखना है, मीडियम आंच पे, धीमी आंच पे जलेबियों को तल के चाशनी में डाल देना है। बस तुरंत डालने के बाद तुरंत हम चाशनी से इसे निकाल लेंगे। सारी जलेबी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही आसान है जलेबी बनाना और बहुत टेस्टी। व्रत में इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। धन्यवाद।